भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रिय मित्रों, पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। लोग अपने पितरों की स्मृति में अर्पण तर्पण करके उनके स्वर्ग लोक में स्थायी रहने की कामना करते हैं, साथ ही अपने परिवार के हित में आशीर्वाद मांगते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष में नियम संयम सुचिता विनम्रता श्रद्धा समर्पण त्याग जैसे भावों को क्रियान्वित करके मनुष्य सद्गुणों से विभूषित होने का प्रयास करता है। यही पितृपक्ष का महत्व और उद्देश्य भी है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है। पक्ष के पुण्य दिनों में पूर्वज आते हैं, इसी मान्यता के अनुरूप सब उन्हें बुलाते हैं। त्रुटियों की सब क्षमा याचना उनसे करते हैं, आशीषों के लिए शीश धरती पर रखते हैं। घर आओ पावन भोग को पा जाओ, महाभाद्रपद दिवस पूर्णिमा से होता प्रारंभ। पितरों का आवाहन करिए त्याग लोभ और दम, सुंदर स्वच्छ सुगंधित तन मन घर आंगन रखिए, हो सुंदर स्वच्छ सुगंधित तन मन घर आंगन रखिए। शुद्ध विचारों से सब अपने हृदयों को भरिए, आओ पितरों घर आओ पावन भोग को पा जाओ। चाहे गंगा यमुना तट हो शिप्रा या नर्मदा, पितरों को जल अर्पण करने जाते सभी सदा। चाहे काशी चाहे गया जी चाहे नर्मदापुर, चाहे काशी चाहे गया जी चाहे नर्मदापुर, करते स्नान ध्यान और दान भी मर्यादा रख कर। आओ पितरों घर आओ पावन भोग को पा जाओ। दर्पण का अंतिम दिन आता अमावस्या लेकर, विधि विधान से कर्म कांड करते परिजन तत्पर। पिंड दान जल भोजन आदि से तर्पण करते हो, पिंड दान जल भोजन आदि से तर्पण करते। युद्ध भावना पूर्वज को फिर है अर्पण करते, आओ पावन भोग को पा जाओ।
पित्रो घर आओ, पावन भोग को पा जाओ। काग गाय और श्वान रूप में आते हैं पुरखे, इसलिए उनका भी भोजन प्रेम से है रखते। सभी मांगलिक कार्य को देते हैं तिलांजलि, सभी मांगलिक कार्य को देते हैं तिलांजलि। केवल श्रद्धा के फूलों से भरते हैं अंजलि। पित्रो घर आओ, पावन भोग को पा जाओ। गृह निर्माण या गृह प्रवेश मुंडन जनेऊ संस्कार, पितृपक्ष में इन सब का करते हैं बहिष्कार। वाहन या आभूषण लेना भी रहता वर्जित हो, वाहन या आभूषण लेना भी रहता वर्जित। केवल पूजन भजन से करिए पुण्य बड़ा अर्जित। आओ पित्रो घर आओ, पावन भोग को पा जाओ। पंडित और पुजारी के निर्देशन में करिए, पितरों का सम्मान विधि अनुकरण में करिए। सात्विक भोजन और आचरण करना आवश्यक, सात्विक भोजन और आचरण करना आवश्यक। बाहर भीतर पूर्ण स्वच्छता रखना आवश्यक। आओ पित्रो घर आओ, पावन भोग को पा जाओ। दान करे मन से पंडित को वस्त्र अन्न और धन, स्वयं आप सुख पाएंगे जो पंडित हुआ प्रसन्न। धर्म अनुसार कर्म करे तो उसका फल निश्चित, धर्म अनुसार कर्म करे तो उसका फल निश्चित। जैसा आज है उससे अच्छा होगा कल निश्चित। आओ पित्रो घर आओ, पावन भोग को पा जाओ। ध्यान लगाकर परमेश्वर में सुख शांति मांगो, अपने साथ सभी के जीवन में कांति मांगो। परहित का जो ध्यान है रखता वही मनुज सच्चा, परहित का जो ध्यान है रख
त्यागता वही मनुज सच्चा। अर्पण की विधि सिखलाती है ध्यान सबसे अच्छा। आओ पितरों घर आओ पावन भोग को पा जाओ। जब तक माता पिता वरिष्ठ जन हैं अपने जीवित, उनकी सेवा शुश्रूषा का कार्य न हो सीमित। सदा पूर्ण सम्मान उन्हें दो, ध्यान रखो उनका। सदा पूर्ण सम्मान उन्हें दो, ध्यान रखो उनका। वरना आने वाला कल बिगड़ेगा जीवन का। आओ पितरों घर आओ पावन भोग को पा जाओ। माता पिता ने पाले बच्चे पूर्ण समर्पण से, उन्हें दूर मत करना तुम भी अपने जीवन से। जैसे कष्ट उठाकर भी वो पाते थे संतोष, जैसे कष्ट उठाकर भी वो पाते थे संतोष। आवश्यकता का उनकी तुम सदा ही रखना हो। घर आओ पावन भोग को पा जाओ। के नौवे अध्याय में कहते मधुसूदन, वह उसको पाता है जिसका करता प्रतिवेदन। पितृ पूज कर पितृ ही पाता, भूत पूज कर भूत। पितृ पूज कर पितृ ही पाता, भूत पूज कर भूत। जो मुझको पूजे वह होता है मुझ में संभूत। घर आओ पावन भोग को पा जाओ। आओ पितरों घर आओ पावन भोग को पा जाओ। आओ